हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। बट आपने हेनरी थ्योल के सीरीज के कंप्लीशन के बाद अब हम लोग एक नए सीरीज के साथ में आपके सामने हैं, और वो है टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। हाँ बेटा, अब हम लोग टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, और इसके लिए आज की क्लास जो सबसे पहले स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट होगी। हम लोग ये देखेंगे कि टेलर का बेसिक हम लोग नॉलेज पहले लेंगे, कि टेलर के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशंस किए, उनका एक बेसिक लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जानना और समझना। तो आज हम लोगों का डिस्कशन बेस्ड होने वाला है टेलर के अराउंड। उन्होंने कब क्या, उनका बर्थ कब हुआ, उनका डेथ कब हुआ, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशंस किए साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, इन सब के बारे में हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्चुअली होते क्या है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है। जब आप समझ जाएंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, उसके बाद टेलर उसके लिए क्या कहना चाहते थे और उन्होंने क्या बातें करी साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लेकर के, ये हम करने वाले हैं। तो जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, हमने अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के इवेल्यूशन को बहुत सारे स्टेजेस में डेवलप किया था। हमने बात करी ट्रेडिशनल स्टेज की, फिर हमने बात करी क्लासिकल स्टेज, न्यू क्लासिकल स्टेज, बिहेवियरल स्टेज, ठीक है, मॉडर्न स्टेज, कंटिजेंट स्टेज, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हमने बात करी। और उसमें से जो हम लोग अभी क्लास 12th में अपने को स्टडी करना है, वो स्टडी अपने को करना है हम लोगों को क्लासिकल स्टेज या क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट लोग अपने को पढ़ने हैं, जिसमें से एक अपने सिलेबस से बाहर है। तीन इंपॉर्टेंट लोग मैनेजमेंट एरा में हैं। पहला है टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल प्रपॉन्ड किया। दूसरा है फ्योल, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स प्रपॉन्ड किया। और तीसरे हैं मैक्स वेबर, जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी प्रपॉन्ड करी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो फ्योल के बारे में हम लोग ऑलरेडी उनके 14 प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और अब हम लोगों को पढ़ना है टेलर के बारे में और उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। तो ये बातें आपकी लिखी हुई हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से रिलेटेड, कि ये क्लासिकल थ्योरी और क्लासिकल स्कूल से बिलोंग करता है। दो अलग स्ट्रीम के बारे में भी चर्चा हो रखी है कि वो दो अलग कौन कौन से स्ट्रीम है। तो एक स्ट्रीम आपका फेउल के एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में है, और दूसरा है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के बारे में, जो कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी कंप्लीटली आपको नहीं पढ़नी है, कुछ भी उसके बारे में नहीं पढ़ना है। यू विल गेट टू गो एंड नो अबाउट दैट इन द कमिंग फ्यूचर क्लासेस, आपको आगे की क्लासेस में वो चीज़ें पढ़नी है। तो आते हैं हम लोग टेलर की हिस्ट्री याद कर देखते हैं, टेलर का ब्रीफ हिस्ट्री एक बारी देखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे उन लोगों ने, उन्होंने क्या क्या काम किया और किस लेवल पे उन लोगों ने काम किया, टेलर ने काम किया, और क्या थ्योरीज उन्होंने बनाई। टेलर का सबसे पहले अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट उनका लाइफ साइकिल, लाइफ टाइम बताता है। टेलर का जो बर्थ हुआ वो 1856 में हुआ, और टेलर का 1915 में डेथ हो गया ड्यू टू निमोनिया। और इस पीरियड में 1856 से लेकर के 1915 के पीरियड के बीच में टेलर ने हमेशा जो काम किया वो काम उन्होंने फैक्ट्री लेवल पे किया, वर्कर लेवल पे किया, और बहुत ही ज्यादा उन्होंने फंक्शनल मैनेजमेंट को बढ़िया करने के लिए वर्क किया। फंक्शनल मैनेजमेंट को बढ़िया करने से स्कोप है मेरा, है कहने का मतलब है कि उन्होंने वर्कर के वर्क पैटर्न पे वर्क किया, किस तरीके से फंक्शंस ठीक किए जा सकते हैं, किस तरह से वर्कर पैटर्न ठीक किया जा सकता है, किस तरह से इफिशियंसी एक वर्किंग प्लेटफॉर्म पे लाई जा सकती है, सबसे शॉप फ्लोर लेवल पे प्रोडक्शन लेवल पे किस तरीके से हम काम को बढ़िया कर सकते हैं, किस तरीके से एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप कर सकते हैं, और उस स्टैंडर्ड मेथड के हेल्प से हम लोग इफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं, ये हमें कहां पढ़ने को मिलेगा, ये हमें टेलर के प्रिंसिपल में पढ़ने को मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर का प्रिंसिपल बोलते हैं उनका क्या प्रोफेशन था, तो वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी उन्होंने, और बेथलम स्टील कंपनी में वो काम करते थे। बेथलम स्टील कंपनी, पहले इसका नाम बेथलम आयरन कंपनी था, और बाद में इसका नाम चेंज होकर के बेथलम स्टील कंपनी हो गया। 1898 में इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया, जो कि बाद में बेथलम स्टील कंपनी के नाम से चेंज हो गया। और इस कंपनी में काम करने के बाद टेलर ने क्या किया, फिर उन्होंने एजुकेशन फील्ड में भी काम किया, और टक बिजनेस स्कूल में इन्होंने पढ़ाया। He was professor at the Tuck Business School. वहां पे इन्होंने as a मैनेजमेंट प्रोफेसर वर्क किया, और उसके बाद इन्होंने आगे क्या किया, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के प्रेसिडेंट रहे ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। 1906 से 1907 में ये वहां पे रहे, और उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखा, जो कि अमेरिकन मैगजीन में पब्लिश हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग मार्च टू मई 1911। एंड उसके बाद बहुत सारी बुक्स के रूप में भी ये क्या हुआ, इन बहुत सारी
किताबों में भी इनका ये आर्टिकल छपा, किस चीज़ से रिलेटेड, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स से रिलेटेड। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही टेलर के प्रिंसिपल्स की, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन दिया, उस डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे कि वो डेफिनेशन क्या कहता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ये रूट लेवल पे वर्क करते थे। टेलर का क्या काम था, तो टेलर ने फैक्ट्री कंडीशंस को रूट लेवल से समझा, बिकॉज वो अप्रेंटिस से आगे बढ़ करके मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिस्ट तक बने एक बेथलम स्टील कंपनी में। तो उन्होंने बहुत नीचे से वर्क करना शुरू किया, बेसिक लेवल से वर्क किया, और प्रोडक्शन में जो फैक्ट्री सिस्टम होता है उसको शेप करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। इन्होंने इफिशियंसी के ऊपर बहुत काम किया, और इन्होंने प्रोडक्शन को, फैक्ट्री सिस्टम को रीशेप करने में कि कैसे हम कौन सा मेथड एडॉप्ट करें जिससे मेरा प्रोडक्शन सिस्टम बढ़िया हो जाए और इफिशियंसी मैक्सिमम अचीव हो, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क किया। जैसे हम जानते हैं कि जब फेओल ने वर्क किया, फेओल ने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत वर्क किया, बिकॉज वो लास्ट में सीईओ हो करके रिटायर हुए कंपनी के। तो उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बहुत काम किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। बट टेलर का जो मेन काम था, टेलर ने बेसिकली काम जहां किया वो फैक्ट्री लेवल था, और उन्होंने फैक्ट्री सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया, फैक्ट्री रीशेपिंग करी, और फ्लोर लेवल पे इफिशिएंसी कैसे मेंटेन की जा सकती है इसको समझा, और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रिंसिपल्स प्रोपोंड किए इन्होंने, जहां पे कि हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट होता है, जो प्रोडक्शन बे होता है, उसको किस तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं और उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करके वहाँ पे मैक्सिमम इफिशिएंसी गेन की जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट क्या काम किया, तो जो टेलर का इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने एफर्ट्स लगाया टुवार्ड्स मेकिंग द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन अ परफेक्ट सिस्टम। मतलब कि हम जो फैक्ट्री से प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन परफेक्ट कैसे होगा, वहाँ पे कोई लैगिंग नहीं होना चाहिए, कोई टाइम लैग नहीं होना चाहिए, कोई यू कैन से नॉन जुडिशियस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, टाइम का वेस्टेज नहीं हो, एफर्ट्स का वेस्टेज नहीं हो, और हर काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका। टेलर हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करते थे कि काम जो भी होगा उस काम को करने का एक ही बेस्ट मेथड होगा, और सारे मेथड्स जो होंगे वो मिनिमल होंगे। वन मैक्सिमम एंड वन बेस्ट वे इज देयर टू कंप्लीट ईच एंड एवरी टास्क, एंड द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू जस्ट सर्च फॉर दैट वे विच इज द बेस्ट वे फॉर डूइंग अ पार्टिकुलर वर्क। अगर मैनेजर वो वे निकाल लेता है जो कि काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, देन हमारे काम में कहीं भी कोई रुकावट आने वाली नहीं है, और अपना वर्क प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, फुल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ में अचीव हो जाएगा। तो टेलर का हम लोगों को हमेशा पढ़ना है वन बेस्ट वे, और यही होता था, इसी को टेलर ने नाम दिया, दिस इज कॉइंड एज द साइंटिफिक मेथड ऑफ डूइंग अ पार्टिकुलर वर्क। इसी को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं कि आउट ऑफ द सेवरल एक्टिविटीज थ्रू विच कैन बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू डू अ पार्टिकुलर जॉब, वी हैव टू सर्च for one best way, and that way will remark that the work should be done in that only way, and that is the best way to do that work, उस काम को करने का best तरीका, और यही टेलर का सबसे important propoundment था। आगे उन्होंने बोला उनको क्यों याद किया जाता है, तो उनकी दो स्टडीज हैं, एक टाइम स्टडी और एक मोशन स्टडीज, के अलावा भी बहुत सारी स्टडीज हैं, फटीग स्टडी हम लोगों को पढ़नी है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम पढ़ना है, बट उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। इसके लिए टेलर को बहुत ज्यादा याद किया जाता है, और ये सारी टेक्निक्स के अंदर आते हैं आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स के अंदर। उसके अलावा टेलर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किया, उन्होंने वैनिश किया, उन्होंने हटाया, क्या हटाया, उन्होंने बोला कि भाई कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट में एमेचरशिप चल रहा है, वो एमेचरिश है। ठीक है, मैं अभी आपको एमेचरिश का मतलब बताऊंगा। उन्होंने बोला कि इस एमेचरशिप को हटाओ और प्रोफेशनलिज्म लेकर के आओ। कहने का मतलब, एमेचर का मतलब होता है कि यूं ही शौकिया ढंग से, ठीक है, शौकिया तरीके से, कोई उसका एक जनरलाइज स्टैंडर्डाइज्ड वे नहीं है, मैनेजमेंट बस एक एमेचर था, कोई प्रोफेशन नहीं था। कहने का मतलब है मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में, अर्ली 20th सेंचुरी में, इन द पीरियड ऑफ 1900
1905, 1910, 12 में। इसको एक प्रोफेशन नहीं माना जाता था, ये एक एमेचर टेक्निक थी, जिसको मन करता था वो मैनेजमेंट में आ जाते थे। टेलर ने इसका सख्त विरोध किया, उन्होंने बोला कि नहीं, मैनेजमेंट कभी भी एमेचरशिप नहीं है, मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है और उसको एक प्रोफेशन की तरह डेवलप किया जाना चाहिए। तो दिस इज द थिंग कि एमेचरशिप को हटा करके उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट को एक स्टडी करना चाहिए डिसिप्लिन की तरह। जब तक मैनेजमेंट को डिसिप्लिन की तरह स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम मैनेजमेंट से गुड्स नहीं निकाल सकते। गुड्स कहने का मतलब है अच्छी चीजें, मैनेजमेंट के मेरिट्स हम नहीं निकाल सकते हैं। आगे उन्होंने और क्या प्रपाउंड किया, उन्होंने बोला कि वर्कर्स को मैनेजमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और ट्रेड यूनियंस को मैनेजमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक ये दोनों कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं होगा और काम कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने एक टर्म को प्रोपाउंड किया और ये टर्म था साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या टर्म था? टर्म था साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट जस्ट टेल्स दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज व्हिच इज द बेस्ट वे टू डू अ पार्टिकुलर वर्क एंड इट विल एबॉलिश द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ थंब। कहने का मतलब, करके देखो, अगर चीजें हो जाती हैं तो ठीक, नहीं तो फिर से उसको ठीक करेंगे। टेलर इसके सख्त खिलाफ थे, उन्होंने बोला किसी भी काम को करने का एक मेथड, एक टेक्निक लेके आइए एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पब्लिश हुआ 1911 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इनके इस प्रिंसिपल का बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ और इनको बेथलम स्टील कंपनी से निकाल दिया गया। इनको निकाल दिया गया, इसके बाद इन्होंने टक स्कूल ऑफ बिजनेस ज्वाइन किया और वहां पे ये प्रोफेसर हुए और वहां पे इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो इस पीरियड के दौरान इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स लिखी, लेकिन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक थी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक थी। और साइंटिफिक मैनेजमेंट आगे चल के बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इसी को हम लोगों को आगे देखना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे, क्या रिवोल्यूशन आया इंडस्ट्रीज में, कैसे इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया और टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे अडॉप्ट करने से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस मिला और उन्होंने वर्क को, ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ईजिली और इफेक्टिवली और एफिशियंटली अचीव किया, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो टेलर का साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, उनके टेक्निक्स हम लोग वन टू वन डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।